नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन ने अभी तक सकारात्मक कार्रवाई न होने पर नाराजगी व्यक्त की है। संगठन की जिला अध्यक्ष इंदिरा देववा की अगुवाई में आशाओं ने लंबित भुगतान किए जाने आदि की मांग को लेकर एक ज्ञापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित किया है, जिसमें कहा गया है कि नियमित कार्यों के अतिरिक्त राज्य और केंद्र सरकार की टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल व अन्य कार्य किए जाते हैं, पर अभी तक लंबे समय से आशाओं का पुराना भुगतान नहीं किया गया है, जिस कारण गंगोली हाट, बेरीनाग व मुंशियारी की आशाएं कार्य बहिष्कार पर डटी हुई हैं। अध्यक्ष देववा ने कहा कि यदि शीघ्र उनकी मांग को लेकर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो यूनियन पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार करने को बाध्य होगी। इधर आशाओं के समर्थन में कांग्रेस प्रवक्ता चंचल बोरा ने आशाओं की मांगों को न्यायोचित बताते हुए शीघ्र पूरी किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा, पिछले 4-5 दिनों से आशा कार्यकर्ता अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। आशा कार्यकर्ताओं के साथ इस डबल इंजन सरकार ने धोखा किया है। कोरोना काल में जिस तरह से आशा कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर इस कोरोना से जूझने का काम किया, उन्हें प्रोत्साहन राशि देने का वादा करके ये सरकार मुकर गई है। सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं की जायज मांगों को नहीं माना तो कांग्रेस पार्टी आशा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो है सड़कों पर उतरेगी और इस सरकार की पोल खोलने का काम करेगी। धारा को हरा भरा रखने के संकल्प के साथ दीपक टेक्निकल बाजार के बैनर तले उल्का देवी मंदिर परिसर में पौधरोपण किया गया। साथ ही लोगों को स्वच्छता और पौधरोपण के लिए जागरूक किया गया। इस मौके पर दीपक बिष्ट, गोपाल सिंह, शेर सिंह, महेश कुमार आदि शामिल थे। इधर पर्यावरण बचाओ, वृक्ष लगाओ का संदेश देते हुए गंगोलीहाट क्षेत्र के आदित्य मंदिर दुबई आकर के पुजारी जगदीश चंद जोशी ने सभी लोगों से पौधरोपण करने व अपने आसपास सफाई रखने की अपील की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सास बहु एवं पति सम्मान समारोह विकासखंड मुंशियारी के उपकेंद्रों, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों में निर्धारित समय व लक्ष्य के सापेक्ष हजारों लोगों तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाने व लोगों को जागरूक करने के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया, जिसको लेकर मुंशियारी टीम के ANM, CHO, AF सहित अन्य कर्मियों को उच्चाधिकारियों द्वारा शुभकामनाएँ देते हुए उनके प्रयासों की सराहना की गई। आयोजित हुए कार्यक्रम के तहत 20 दंपत्ति परिवारों एवं सास को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संपन्न कराने को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर HS यांकी ने मुंशियारी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गौरव कुमार, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक प्रताप सिंह बिष्ट, ब्लॉक समन्वयक गंभीर मेहता सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी फील्ड कर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार चलाए जा रहे अभियान के तहत थानाध्यक्ष गंगोलीहाट मंगल सिंह व थानाध्यक्ष जाजर देवल प्रकाश पांडे द्वारा अपने अपने क्षेत्र में चेकिंग के दौरान दो व्यक्तियों धीरज कुमार निवासी पतारवाड़ा गंगोलीहाट व धीरेन्द्र सिंह चौड़ा कुंडार जाजर देवल को शराब के नशे में हुड़दंग कर शांति व्यवस्था भंग करने पर धारा 151 CRPC के तहत गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त यातायात व मिशन मर्यादा का उल्लंघन करने पर 113 लोगों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई। नो पार्किंग में खड़े वाहनों में TSI दरबान सिंह की अगुवाई में व्हील लॉकर लगाया गया। यात्रा के दौरान युवती का आरोपियों से भरा पर्स चुराने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पिथौरागढ़ पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार टनकपुर से पिथौरागढ़ को आ रही एक युवती का सीट पर रखा पर्स चोरी हो गया। युवती जब यहां पहुंची तो पर्स चोरी होने का उसे तब पता चला। युवती द्वारा कोतवाली में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई और चुरानी के पास से बैठे और घाट के मीना बाजार में उतरे व्यक्ति पर संदेह जताया गया। तहरीर के आधार पर मामला पंजीकृत कर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चंचल शर्मा के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम द्वारा जानकारी जुटाते हुए चोरी करने वाले आरोपी विनोद जोशी उम्र 31 वर्ष निवासी एंचोली पिथौरागढ़ को गिरफ्तार कर पर्स में मौजूद नकदी आदि बरामद कर ली गई। आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। देहरादून के मसूरी से एक दुखद हादसे की खबर सामने आई है। हादसे में एक व्यक्ति खाई में गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। देहरादून पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते देर सायं मसूरी के पर्यटक स्थल जॉर्ज एवरेस्ट में एक व्यक्ति जो घूमने आया था अचानक असंतुलित होकर गहरी खाई में गिर गया। हादसे की सूचना पर पुलिस, फायर व STRF टीम मौके पर पहुंची और गहरी खाई में उतरकर देखा तो व्यक्ति ने दम तोड़ दिया था। मृतक का शव संयुक्त टीम द्वारा मुख्य मार्ग पर लाया गया। मृतक पर्यटक की शिनाख्त उमेश कुमार उम्र 29 वर्ष निवासी डिंडुखेड़ा जिला शामली UP के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ मसूरी घूमने आया था। देर सायं अचानक उसका पैर फिसल गया और वह असंतुलित होकर गहरी खाई में गिर गया। पुलिस की अग्रिम कार्रवाई जारी थी।
पिथौरागढ़ के जिला मुख्यालय के चंद्रभागा में जागरूकता की एक नई पहल जन सहयोग के साथ मोक्षधाम को जनोपयोगी बनाने में जुटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी पिथौरागढ़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।